कर्नाटक में चुनाव खत्म हो गया है, अब नतीजों का इंतजार हो रहा है, 15 को वो भी आ जाएंगे। चुनाव खत्म होने के साथ ही अब एक नई आशंका है, वो और ज्यादा गहरा गई है। ये आशंका है पेट्रोल डीजल के महंगा होने की। पिछले 18 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम वहां नहीं बढ़ रहे हैं, अब माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कभी भी बढ़ा सकती है पेट्रोलियम कंपनियां। बीते 24 अप्रैल से पेट्रोल डीजल की कीमत देश भर में नहीं बदली है। दरअसल पेट्रोल डीजल का दाम तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को है। माना यह जा रहा है कि 18 दिनों से अगर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और कर्नाटक चुनाव के बाद कीमतें पेट्रोल डीजल की बढ़ सकती हैं। ये देखिए 24 अप्रैल को ये कीमतें थी और आज भी यही हैं। दिल्ली में 74.63 रुपये, डीजल 65.93 रुपये, इसी तरह मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आप दाम देख रहे हैं 82.48 पेट्रोल मुंबई में, 70.20 डीजल का रेट, कोलकाता में अब 77.32 पेट्रोल की कीमत, 68.73 डीजल की कीमत, 77.43 चेन्नई में। आप देख सकते हैं ये डीजल के और पेट्रोल के जो दाम हैं वो 24 अप्रैल से नहीं बढ़े हैं, जबकि कच्चा तेल महंगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, 25 अप्रैल को 72.36 रुपये उसका दाम था प्रति बैरल, डॉलर प्रति बैरल, और 8 मई को $73 प्रति बैरल उसका दाम हुआ, 10 मई को 7.35। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।